गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गुफरान सर आप सबका अपने YouTube चैनल एम जी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करते हैं। होमोसेक्सुअल यानी कि समलैंगिक, होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता क्या होता है, लेस्बियन क्या होता है, हेट्रोसेक्सुअल क्या होता है, ट्रांसजेंडर यानी कि छक्का क्या होते हैं, तो दोस्तों बाइसेक्सुअल क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आखिर काफ़ी अधिक लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि ये समलैंगिकता क्या है, विषम लैंगिक क्या है, समलैंगिक क्या है, तो इनके बारे में हम बिल्कुल बेसिक रूप से समझेंगे। तो दोस्तों इनको समझने से पहले हम इनके बैकग्राउंड यानी हिस्ट्री को थोड़ा समझ लेते हैं। हुआ ये दोस्तों कि हमारे देश में 1857 में पहली क्रांति हुई। उससे पहले जब भारत में अंग्रेज आए तो वो ब्रिटिशर्स आए, पुर्तगाली आए, तो वो इसलिए आए यहाँ पर व्यापार करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो व्यापार करते रहे और व्यापार में उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमाया। मुनाफा कमाने के बाद में उन्होंने काफ़ी क्षेत्र पर अपना व्यापार स्थापित कर लिया। उसके बाद में यह हुआ कि कंपनी उन्होंने स्थापित की। कंपनी के बाद में कंपनी से उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे। उनकी पावर इतनी बढ़ गई कि अंत में ये हुआ कि उन्होंने भारत को चलाने के नियम भी बनाना शुरू कर दिए। तो जब नियम बनाना शुरू किए तो उन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज इंडिया में बनाई, एक बम्बई में, एक कलकत्ता में, एक मद्रास में। तो 1862 में एक होमोसेक्सुअल यानी कि समलैंगिक से संबंधित एक एक्ट लाया गया, एक वैधानिक कानून बनाने का एक्ट लाया गया। तो उसमें यह था कि कोई भी महिला महिला से, कोई भी पुरुष दूसरे पुरुष से शादी कर सकता है। लेकिन हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, इनमें ऐसा इसको अस्वीकार किया गया था, यानी कि इसको नहीं माना गया था, अमान्य करार दिया गया था। लेकिन रिसेंटली 2018 में समलैंगिकता को भारतीय संविधान ने हरी झंडी दिखा दी, अब कोई भी महिला दूसरे महिला से विवाह कर सकती है। तो दोस्तों और भी एक चीज़ बता दें कि जो हर इंसान के अंदर दुनिया में 9 चीज़ें उपस्थित होती हैं, वो 9 चीज़ें ये हैं कि वो फीलिंग से संबंधित हैं, जैसे डर है, गुस्सा है, भय है, और प्रेम है, घिन है, शोक है यानी कि रोना है, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे अंदर से इनकी फीलिंग्स स्वतः ही निकलने लगती है। तो दोस्तों ये होता है कि जैसे अगर किसी को गुस्सा दिलाना है तो किसी की कोई चीज़ बिना कारणवश छीन लीजिए या उसे गाली देने लग जाइए तो इसमें उससे गुस्सा आ जाएगा। ऐसे अगर आपको किसी को दुख यानी होना है तो कोई किसी का रिलेटिव यानी कि ख़त्म हो गया, डाइड हो गया, या फिर कहीं पर उसका कोई लॉस हो गया, तो ये सब चीज़ें अपने समय समय पर आपके अंदर होती हैं लेकिन निकलती रहती हैं जब इनकी आवश्यकता पड़ती है। वैसे जो हम बात करने वाले हैं प्रेम की बात, ऐसे लोगों के अंदर प्रेम भी छुपा होता है। वैसे तो प्रेम जो होता है माँ के और बच्चों के प्रति प्रेम होता है, भाई भाई के प्रति, भाई और बाप के प्रति, ऐसे शिक्षकगण और विद्यार्थीगण के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम प्रेम की बात करने वाले हैं वो है एक स्त्री का एक पुरुष के साथ में जो अट्रैक्शन होता है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो ये जो अट्रैक्शन होता है उस प्रेम की बात हम करने वाले हैं। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि सेक्स मतलब लिंग यानी कि जेंडर। तो जेंडर दो होते हैं, एक मेल एक फीमेल। मेल का मतलब होता है पुरुष, फीमेल का मतलब होता है महिला। अब देखिएगा जो महिला होती हैं, तो देखिए मेल और फीमेल में गुप्तांग होते हैं। मेल में क्या होता है कि पेनिस यानी कि लिंग होता है और महिला में योनि यानी कि वैजाइना होता है। तो इनमें क्या होता है दोस्तों कि जो हेट्रोसेक्सुअल होते हैं, इनको देखिए सेक्स को दो भाग में बांटा गया, एक होमोसेक्सुअल यानी कि समलैंगिक, एक हेट्रोसेक्सुअल यानी कि विषमलैंगिक। तो इनमें क्या होता है कि जो हेट्रोसेक्सुअल होता है विषमलैंगिक, विषमलैंगिक में ये होता है कि जो महिला का आकर्षण एक पुरुष से होता है, तो महिला का आकर्षण एक पुरुष के साथ जब होता है तो इसको हम नेचुरल कहते हैं, जैसे इसको नेचुरल कहते हैं। लेकिन जब महिला का दूसरी महिला के प्रति, एक पुरुष का दूसरे पुरुष के प्रति जब अट्रैक्शन हो जाता है तो वहाँ पर ये हेट्रोसेक्सुअल नहीं, उसको होमोसेक्सुअल कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक नेचुरल स्थिति कही जाती है, अगर ये है तो ठीक है, अगर होमोसेक्सुअल है तो इसको जो आपका मतलब समलैंगिक, सम का मतलब समान, लैंगिक मतलब लिंग वाले, यानी कि समान लिंगों के प्रति जब हमारी आकर्षण बढ़ती है तो उसे हम समलैंगिक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। कुछ डॉक्टर्स की टीम जो कहती है
कुछ डॉक्टर्स को कहना है कि ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि मेंटल एक बीमारी है, जबकि ये एक नेचुरल स्थिति है। जो नेचुरल होता है वो बीमारी नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो होमोसेक्सुअल है दोस्तों, इनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं और 5ों होमोसेक्सुअल के अंतर्गत आते हैं। आइए हम एक के बाद एक समझते हैं। पहला लेस्बियन, जैसा कि हमने बताया कि जब एक महिला का दूसरी महिला के प्रति होता है अट्रैक्शन, यानी कि उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पर हम लेस्बियन उन्हें कहते हैं, उनको लिंग महिला के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि वो जो महिला होगी वो पुरुष को जब देखेगी तो उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएंगी, वो अट्रैक्शन नहीं आएगा जो महिला को देखकर आएगा, इसलिए इसको लेस्बियन कहेंगे। और जो गे होगा, यानी कि ये मेल पुरुष होगा, तो जो पुरुष होगा वो दूसरे पुरुष को देखकर वो जो एक्सप्रेशन आना चाहिए, जो फीलिंग आनी चाहिए, जो हेटरोसेक्सुअल में होता है एक मेल का फीमेल में, तो ये मेल मेल के प्रति इसमें अट्रैक्शन आता है, इसलिए इसको गे कहते हैं। तो दोस्तों अगला है बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें फीमेल और मेल दोनों ही बाईसेक्सुअल हो सकते हैं। क्या होगा कि जब महिला का महिला के प्रति और मेल दोनों के प्रति उसका अट्रैक्शन हो तो वहां पर बाईसेक्सुअल कहते हैं। यानी कि बाईसेक्सुअल में उसके अंदर हेट्रोसेक्सुअल के भी गुण होंगे और लेस्बियन के भी गुण होंगे, तो उसमें क्या होगा हमारा फीमेल बाईसेक्सुअल। और जब मेल बाईसेक्सुअल होगा तो मेल मतलब पुरुष वाला, तो जो पुरुष वाला होगा उसके अंदर हेट्रोसेक्सुअल के गुण पुरुष वाले भी होंगे और वहां पर गे का भी गुण होगा, यानी कि उसके अंदर ये होगा, तो वहां पर इनको बाईसेक्सुअल कहेंगे। तो ये बाईसेक्सुअल। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आता है कि हम कैसे समझेंगे कि ये लेस्बियन है, ये गे है, ये बाईसेक्सुअल है। तो वैसे तो दोस्तों इनको जानने का या इनको कोई जानने का ऐसा तरीका नहीं है कि कोई मशीन लगा दी जाए या फिर कोई ऐसे, इनको सिर्फ जो लेस्बियन होंगे वही ये बता सकते हैं कि इस अट्रैक्शन के आधार पर कि उनके अंदर ऐसा अट्रैक्शन है तो वो लेस्बियन है, अगर गे हैं तो वो गे हैं, क्योंकि इन्हें कोई आम इंसान, ये आम इंसान हम ही में से कोई हो सकता है, हम ही में से कोई हो सकता है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि ये खुद यही बता सकते हैं, कोई दूसरा इंसान नहीं बता सकता कि ये लेस्बियन है या गे है या बाईसेक्सुअल है। तो दोस्तों अगला समझते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर को हम किन्नर, छक्का या हिजड़ा भी कहते हैं। दोस्तों इनमें क्या होता है कि जैसे हमने शुरू में किया था कि जो जेंडर होते हैं वो मेल फीमेल होते हैं, तो उनमें गुप्तांग होते हैं, एक पेनिस होता है, एक वैजाइना होता है। तो इनमें क्या होता है, जो पेनिस या वैजाइना इसका डेवलप ही नहीं होता है, यानी कि इसका डेवलपमेंट, ये अविकसित अवस्था में रहते हैं। इनमें सिर्फ यूरिन यानी कि पेशाब निकलने का सिर्फ रास्ता होता है, बाकी इनके अंदर जो इनके पेनिस या वैजाइना होते हैं, ये पुरुष में भी महिला में दोनों में हो सकते हैं। वैसे तो जब ट्रांसजेंडर है तो इनमें पुरुष या महिला का कोई वो नहीं है, तो यहाँ पर इनके अंदर अर्ध विकसित होते हैं, यानी कि विकसित नहीं होते हैं, तो उनको हम ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों इनमें होता क्या है कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा जो ट्रांसजेंडर हैं, तो ट्रांसजेंडर को वो सम्मान नहीं दिया गया है, जैसे उनको ना तो किसी सरकारी जॉब में उनको जॉब दी जाती है, ना वो पढ़ने लिखने में उनको वो दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो होते हैं ट्रांसजेंडर, ये बाई गार्ड होते हैं, ये किसी इंसान के द्वारा तो क्रिएटेड होते नहीं। तो दोस्तों जो ये हो रहा है हमारे समाज में, आप ट्रेन पे देख लेंगे या कहीं शादी विवाह होती है वहाँ पर ट्रांसजेंडर पहुँच जाते हैं, बस यही इनका काम होता है, क्योंकि इनको समाज में वैसा इनको सम्मान दिया ही नहीं गया है जो एक आम इंसान जो हेट्रोसेक्सुअल को होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इनको ट्रांसजेंडर को भारतीय संविधान में इनको वो दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? अगर दिया जाना चाहिए तो क्यों, अगर नहीं दिया जाना चाहिए तो क्यों? तो दोस्तों आप कमेंट्स के माध्यम से इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। अगला चलते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्स क्या होता है दोस्तों, जब एक ही इंसान के अंदर, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, जैसा फीचर हो उसका, जब एक ही इंसान के अंदर लिंग और योनि यानी कि पेनिस और वेजेना दोनों होते हैं तो उन्हें हम इंटरसेक्स कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि इंटरकास्ट होता है, इंटर स्टेट होता है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, वैसे ये इंटरसेक्स होते हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर होते हैं ये दोनों के गुण।
तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम इंटरसेक्स कहते हैं। तो दोस्तों होमोसेक्सुअल यानी कि समलैंगिकता में यही पांच लोग आते हैं, एक लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, अगर उनको स्टार्ट फॉर्म में देखा जाए तो ऊपर जो वर्ड देख रहे हैं LGBTI, एल का मतलब लेस्बियन, जी का मतलब गे, बी का मतलब बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, इनको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, बस यही है LGBTI ग्रुप। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपके इनसे संबंधित जो कन्फ्यूजन रहे होंगे समलैंगिकता से आपके क्लियर हुए होंगे। दोस्तों अगर इनसे संबंधित कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उन प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।